नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, मैं सलोनी का शेफ। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आइए देखें ये जवान क्या कह रहा है। इनका आरोप है कि कुछ शराबी इनके घर के आगे बवाल काट रहे थे। इन्होंने जब मना किया तो इनके घर में घुसकर शराबियों ने तोड़फोड़ की। इन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने इनकी कोई मदद नहीं की। इनका ये तक कहना है कि जिन लोगों ने हंगामा मचाया था वो स्थानीय पार्षद के लोग थे और राजनीतिक दबाव की वजह से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जवान का कहना है कि उन्हें धमकी मिली है, पूरा परिवार खौफ में जी रहा है, बच्चे कोचिंग के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हंगामा करने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित नायक सूबेदार राजेश सिंह की पोस्टिंग ले में है, कुछ दिन की छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने आए थे। उनकी छुट्टी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हुए कट रही है। नायक सूबेदार राजेश सिंह का कहना है कि हम अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा खुद का परिवार सुरक्षित नहीं है। मेरी यूनिट जो है ले के अंदर है इस समय, नायब सूबेदार राजेश सिंह। क्या मामला है सूबेदार? मामला ये है सर कि जो मैं शाम को घर से बाहर निकला तो कुछ लड़के जो दारू पी के गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने बोला बेटा आप अपने घर जाओ। बोले हम तो ऐसे ही करते हैं, आप जो करना। मैं बोला बेटा आप घर जाओ, हम आपको नहीं जानते। इतने कहने के बाद उन्होंने जो है तुरंत बोला आप गाली गलौज शुरू कर दिया। बोला आप फौजी हैं तो आप फौज में जो है, हम लोग ऐसे फौजियों को जूतों से मारते हैं, ये शब्द जब बोला तो मैंने बोला यार आप ऐसे कैसे मार सकते हैं फौजियों को जूतों से। बोला और उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया और मेरे घर के अंदर जो है ऊपर जो हमला कर दिया, जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिपिंग भी है। अभी तक ना तो एक पकड़े गए, खुला अपराधी घूम रहे हैं। थाना बिदनू। पुलिस ने कार्रवाई अभी तक के नहीं, अभी तक पुलिस ने ना तो किसी को पकड़ा है ना तो कुछ। मैं कल भी चौकी में गया था तो जो वो बोले कि देखते हैं, वो सब भगे घूम रहे हैं और वो हमें गुमराह कर रहे हैं। चूँकि वो जो लड़के हैं वो हैं जो हमारी जो है मेनका सिंह सेंगत जो पार्षद हैं, उनके घर में काम करते हैं, उनके दबाव में आके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देश की सुरक्षा में बॉर्डर में खड़े हैं और आज आप हमारी सुरक्षा नहीं हो रही, हमारे परिवार की धमकी भी मिल रही है। रात दिन धमकी दे रहे हैं, बच्चे हमारे जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं ना तो कहीं कोचिंग जा पा रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आप मिले? अभी नहीं, अभी इसलिए मैं जो है रात की घटना देख के फिर दोबारा मैं अभी आया हूँ एसपी आरओ साहब से मिलने। कितने दिन से परेशान है? ये अभी 3 तारीख की घटना, में कल भी पूरा 48 घंटे हो गए, तब फिर भी इन्होंने रात में वही हंगामा शुरू करते हुए गाली गलौज निकल गए। अभी इसमें इसका यह मतलब कि हमारा परिवार, जब हम ही सुरक्षित नहीं तो हम देश की क्या सुरक्षा कर सकते हैं। थाने भी गया था मैं, चौकी भी गया। चौकी हमारी लगती है सेनपारा, जो थाना बिदनू।